एवरीवन, आज बाहर बारिश हो रहा है तो आज बच्चों को मन किया है पिज्जा खाने का। तो चलिए आज मैं आपको पिज्जा बनाना सिखाऊंगी कि पिज्जा का डो कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने ले लिया है एक कटोरी मैदा और अब हम इसके अंदर डालेंगे दो बड़े चम्मच ऑयल, ये आधी चम्मच के करीब ये पीसी हुई चीनी, ये आधी चम्मच नमक और ये आधी चम्मच से भी कम खाने वाला सोडा और ये आधी चम्मच से भी कम थोड़ा ये बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों हमें डालना है। दही से इसे हमें गूथना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो यहाँ आप बिल्कुल फ्रेश दही ले लीजिए और दही से ही गूथिए, अगर पानी की जरूरत पड़े तो जरा सा पानी आप लीजिएगा। बिल्कुल भी पानी नहीं था। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पानी नहीं डाला और मैंने बोला ना कि ये बिना पानी से ही मतलब हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं अब इसे हमें खूब अच्छे से गूथना है। गूथ के आधे घंटे के लिए हमें इसे ढक के गीले कपड़े से ढक के रख देना है। आप देख रहे हैं ये कितना खमीर जैसा उठ गया है। अब इसे हम ढक के करीब आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने इसे तैयार करके रखा था। ये देखिए इसमें कितना स्पंज के जैसा ये हो गया है, आप इसे देख सकते हैं। ये देखिए अब हम इसको माइक्रोवेव के अंदर बनाएंगे। तो चलिए इसे हम कैसे बनाएंगे इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं मेरा जो ये माइक्रोवेव का जो प्लेट है उसी के ऊपर हम मैदा छिड़क के और जो हम पहले से जो डो बना के रखे हैं उसको इसके ऊपर रखकर हम धीरे धीरे फैलाएंगे। आप इसे किसी भी आकार में आप बना सकते हैं, आप चाहिए तो ट्रायंगल बना दीजिए, रेक्टेंगल बना दीजिए या सर्कल बना दीजिए। तो आप देख रहे हैं ये थोड़ा मोटा ही रखिएगा, करीब या एक सेंटीमीटर के करीब मोटा होना चाहिए। उसके बाद फोक से आप इसको इस तरीके से छेद कर दीजिए क्योंकि ये अंदर जाके ना फूल जाएगा, तो हमें यहाँ फुलाना नहीं है इसीलिए हम इसमें छेद कर देंगे। ये माइक्रोवेव के अंदर जाके रोटी की तरह फूल जाएगा। तो यहाँ हमने लिया है एक बड़ा चम्मच बटर और थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ को हमने कद्दूकस कर लिया है। इन दोनों को मिला के आप पिज्जा बेस के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए स्पून से। आप चाहें तो इसके ऊपर धनिया की पत्तियों को भी बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैंने सहजवान चटनी डाल दिया है एक चम्मच, एक चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है टमाटो सॉस और यहाँ पे एक चम्मच से थोड़ा कम ही मेयोनीज डाल दिया है। इन तीनों को आप खूब अच्छे से मिला लीजिए और मिला के इसी के ऊपर फैला लीजिए और आप किनारे से थोड़ा आधे सेंटीमीटर कम ही फैलाइएगा क्योंकि ये जब माइक्रोवेव के अंदर जाएगा ना तो ये नीचे टपक के गिरने लगेगा गर्म होके। तो यहाँ मैंने इसके ऊपर डाल दिया है बारीक कटा हुआ ये लंबे लंबे स्लाइस में प्याज, छोटे छोटे गाजर और ये है लंबे लंबे में काट के पतले पतले शिमला मिर्च। यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ी सी हरी मिर्च, इसे भी पतला पतला काट लिया है और यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने डाल दिया है पनीर के टुकड़े और अब आ गया चुकंदर की बारी। तो इन सबको डाल के अब हम इसके ऊपर डाल देंगे मोज़रेला चीज़। तो इसके ऊपर ढेर सारा डाल दीजिए जिससे ये बहुत ही मतलब चीज़ी हो जाए, तो ये खाने में बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा, इसलिए इसमें चाहे तो थोड़ा ज़्यादा ही डालें। तो अब हम इसको माइक्रोवेव के अंदर डालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप प्रीहीट करेंगे, कन्वेक्शन मोड दबा के दो बार यहाँ स्टार्ट दबाना है और फिर प्रीहीट होने के बाद में लोअर रैक के ऊपर आप अपना पिज्जा रख दीजिए। अब हम कन्वेक्शन मोड पे 200 का टेम्परेचर सेट करेंगे और टाइमर हम 15 से 20 मिनट के अंदर ही रखेंगे।
यहाँ 15 से 20 मिनट का टाइम मैंने इसलिए बोला है कि यहाँ पिज्जा का जो बेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बेस कितना थिक है या थिन है, इसी के हिसाब से आप टाइम को सेट करिएगा। तो यहाँ आपने देखा था मैंने जब बेस बनाया था तो मैंने आपको दिखाया था कि करीब आधे सेंटीमीटर के करीब मोटा मैंने इसका बेस रखा था। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे अपने डबल साइज में आ गया है फूल के। और अगर आपको लगता है कि जो आपने टाइम सेट किया है उस टाइम के बाद आपने जब निकाल के देखा तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा और होना चाहिए, तो मुश्किल से 2-3 मिनट के लिए और आप टाइम को रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करिएगा नहीं तो फिर ये जलने लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिज्ज़ा हमारा बन गया है और यहाँ एंड दिखा रहा है, तो इतने में हमारा पिज्ज़ा बन के तैयार हो गया है। और इसमें जो हम गार्लिक डाले हैं ना उसका इतना अच्छा स्वाद आया है, आप एक बार जरूर से ज़रूर बनाएं। ये हमारा जो होममेड डो है देखिए कितना फूल के आया है और जो स्वाद जो है वो बिल्कुल मार्केट के जैसा है। ऐसा यह देखने में सुंदर वैसा ही खाने में भी बहुत बहुत ही स्वाद। तो ये जो आप मेरी पिज्जा देख रहे हैं ये पिज्जा की मैं अलग अलग वीडियो भी डाली हूँ। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका दूसरा वीडियो भी आप देखिए, ताकि मैं दूसरे वीडियो में कैसे बनाई हूँ तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए और कमेंट करके बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको ये पिज्जा की कैसी लगी। और अब इसी तरह मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग के लिए मैं कुछ हमेशा नया लाऊं। बस इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।